ये आयन मंडल है। कौन सा मंडल? आयन मंडल। इंग्लिश में आइनो स्फीयर, इंग्लिश में आइनो। ये बड़ी खतरनाक है, इसमें कॉस्मिक वेव पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक वेव पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो तगड़ा होती है वो कौन सी वेव होती है? गामा रेज बहुत तगड़ा होता है, गामा रेज बहुत तगड़ा होता है, मारता है कोशिका के अंदर का डीएनए, उन्हें बदल देता है यहाँ पे। तो पहले ना कैंसर का इलाज गामा रेज से किया जाता था, लेकिन इतना खतरनाक था कि एक ओर से सही करता था, दूसरी ओर नया कर देता था। इसलिए अब क्या ला दिया? एक्सरे। अब नहीं होता है गामा रेज पे, अब किस पे होता है? एक्सरे पे। एक्सरे आ जाता है यहाँ पे। अब तो उसकी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है यहाँ पे। एक गामा नाइफ करके आया, एक ठो हेलमेट टाइप का पहना देता है, सब बड़का नाद जैसा, उसमें चारों ओर से रे छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। तो इसमें कॉस्मिक वेव पाए जाते हैं, और ये कॉस्मिक वेव इतना ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई भी चीज बाहर से एंट्री करेगा, पृथ्वी पे गिरने की कोशिश करेगा। अब सोचो, गामा रेज तो किसी को छोड़बे नहीं करता है। अगर गामा रेज यहाँ पे ऐसे टॉर्च दिखा दें आप लोग को, बस ऐसे ऐसे स्वाहा, साफ साफ परमाणु बम जो फटता है तो उसके क्या होता है? गामा रेज निकलता है, उसी से सब लोग मर जाते हैं यहाँ पे, और क्या होता है? तो गामा रेज बहुत खतरनाक है। आई सोच रहा हूँ उसका बाप है कौन? कॉस्मिक। तो ऊपर से अगर कोई उल्का पिंड गिरेगा तो उसको कौन जला के खत्म कर दे? किस मंडल में खत्म होगी? आयन, आयन मंडल। कोई भी चीज एंट्री मारेगा तो कहां से चल जाएगा? आयन मंडल, आयन रगड़ के खत्म कर देगा, इतना पावरफुल है यहाँ पे। इसीलिए उल्का पिंड जब गिरता है तो रात में दिखता है जलते हुए, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो पढ़ा दिए हम आप लोगों को। अब कल्पना चावला जब वापस आई थी तो उनको पढ़ा दिए थे हम आपको, उनका जो वापस में थर्मल टाइल्स लगा था, थर्मल टाइल्स, वो जाते समय ही क्या हो गया था क्रिस्पिया को, तो जाते समय स्पीड कम थी, धीरे 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 करके निकल गया, और जाते में कम डैमेज था, और जाते जाते थोड़ा डैमेज ठीक ठाक हो गया, लौटते समय तो उसको चौपट कर दिया थोड़ा सा में भी। अब जैसे यही ऊपर में करकट है, एक जगह थोड़ा सा छेद रहेगा तो पूरा बारिश का पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और अभी नहीं आता है, वो तो बरसात के समय थोड़ा बहुत झटास वगैरह आता है, रहता है, वो तो नॉर्मल चीज है, लेकिन डायरेक्ट पानी तो नहीं आती है यहाँ पे। लेकिन अगर वही कहीं हल्का सा सुराख हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया? आयन मंडल। एक और चीज पढ़ाए थे, जब सौर ज्वाला उठती है तो सूर्य पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन वह सौर ज्वाला पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है। कौन मंडल रोकता है? आयन मंडल। और उसमें उसे दो नाम दिया जाता है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस। ये रंगीन लाइट होते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बाहर से किसी चीज को एंट्री करने नहीं देते। इवन जब आप पृथ्वी को छोड़ के जाइएगा ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसको पार करना है? आयन मंडल को। इस सोच रहा नीचों से नहीं जाने देता, कहां कहां इधर है, भाग यहां से। ये नीचे से भी जाने नहीं देता, वायुमंडल भाग जाता, कहता चल रहे हैं, चलो लोग, सब लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, गरियाने लगता है, कहता गिरे चुट्टा, कहां जा रहा है यहां पे? तो पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहे तो वायुमंडल भाग जाएगा, सारा वायुमंडल क्या हो जाएगा? भाग जाएगा।